किस तरह से आप हैं? ठीक ठाक हैं, भगवती कृपा है। ठीक ठाक हैं? हाँ, पिछले आशीर्वाद ही आशीर्वाद है इनको, इनको हमारा पूरे गांव का मदद है इनको, कोई पूरे गांव का मदद है, पूरे गांव का मदद है। और ये जो है सो ये दूसरा बार है इनका, दूसरा बार है, एक बार पहले भी किए हुए थे। समस्या नहीं, कोई दिक्कत समस्या नहीं, नहीं। तो कितने दिन का मन्नत है, इसे क्या आशीर्वाद दीजिएगा? आशीर्वाद तो माता रानी की कृपा भी है और हम लोगों के समाज का भी कृपा है, इनके साथ हैं हम लोग, साथ हैं, साथ हैं। स्वागत है, हम लालटून स्टार सन ऑफ बिहार, हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां लोग भक्ति में पूरे विश्वास के साथ विश्वास रखते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। आज वैसे जगह हम आए हैं जो हम आपको दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के बलिगांव है, और बलिगांव भगवती स्थान है। यहां पे शारदीय नवरात्रि का जो है दसों दिन यहां पूजा होता है और बड़ी धूमधाम से पूजा होता है। यहां पे जो है 5 कलश अपने सीने पे रखा हुआ है। हम आपको पूरा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। को ले चलते हैं भगवती स्थान और वहाँ पे दिखाएंगे कि अपने सीने पे 5 कलश स्थापित किए हुए हैं और पूजा आराधना करते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल पर। आपका घर कहाँ है? कहाँ? बघौनी। बघौनी है तो आपको ऐसा मतलब मन्नत, क्या कोई मन्नत है आपके पास? कोई मन्नत नहीं है, श्रद्धा, श्रद्धा से कर रहे हैं। हाँ। कितने साल से कर रहे हैं यहाँ? पहला 2013, उसके बाद 2023 में। 2013 में पहला किए थे? हाँ। उसके बाद 2023 में किए? हाँ, अभी मतलब 2 साल से कर रहे हैं। 2013 में किए थे, उसके बाद कोई कारण से नहीं कर पाए, फिर इस साल हुआ कि कर लेते हैं अपनी माया। तो इस तरह की जो है अपने सीने पे 5 कलश जो है रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? रखे परिवार से कुशल रहे इसके लिए। आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार साथी। पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय पृथ्वी चंद्र साथी। घर कहाँ है? बघौनी। बघौनी घर है? हाँ। और यहाँ बलिगांव में आप आए हुए हैं? ससुराल है। ससुराल है? क्या यहाँ के लोग मन्नत रखे हुए थे? नहीं, यहाँ के लोग नहीं रखे थे, अपने मर्जी से, अपने मन्नत से यहाँ आए हुए हैं। अपने मन से है। कितना दिन यहाँ रहिएगा? कलश संपन्न होने के बाद शुरू से अंत तक रहिएगा यहाँ? शुरू से अंत तक। क्या इतना दिन जो है रहते हैं, क्या अन्न पानी कुछ नहीं? कुछ नहीं। किस तरह से आप हैं? ठीक ठाक हैं, भगवती कृपा है। ठीक ठाक है? हाँ। पिछले साल भी 2013 में रहे हैं? सामने है फिगर। जी जी, तो 2013 में जो आप रहे हैं, तो क्या किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या नहीं, कोई दिक्कत समस्या नहीं, नहीं। तो कितने दिन का मन्नत है कि आप 2 साल करके छोड़ दीजिएगा कि आगे भी कीजिएगा? 5 साल पूर जाएगा, हो गया। 5 साल आपको करना है? हो गया, यही लास्ट है। लास्ट है? हाँ। मतलब 5 साल ये 2023 लगा के लास्ट है? हाँ, 2013 में एक किए, उसके बाद 5 साल का एक ही बार कलश ले लिए। 5 साल का एक ही बार कलश ले लिया? हाँ। तो 5 साल पूर जाएगा आपका? 6 साल पूर जाएगा। 6 साल पूर जाएगा? हाँ। तो 10वीं को आप फ्री होते हैं? 10वीं को जिस दिन भसान होता है मूर्ति का, कलश का, उस दिन फ्री हो जाते हैं? 9वीं को रोज। तो देखिए यहाँ पे जो है आज जो है यहाँ इस बार जो है 6 साल इनका कंप्लीट हो जाएगा, तो है 5 कलश जो है स्थापित कर चुके हैं, क्योंकि 5 साल का एक ही बार जो है स्थापित कर चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में एक बार इनके लिए आशीर्वाद मांगिएगा कि इनका हर मनोकामना पूर्ण हो। अपने चैनल के माध्यम से भी माता रानी से दुआ करते हैं, आग्रह करते हैं कि इनका मन्नत जो है जल्द से जल्द पूरा हो और इनका पूरा परिवार सुख शांति समृद्ध हो। आप लोग भी ऐसा दुआ कीजिएगा, उनसे परिजनों से कुछ हम आप बात करते हैं। बताइए चाचा जी, आपका कौन लगेगा? वो मेरा दामाद लगेंगे। दामाद जी लगेंगे? हाँ, मझला दामाद है। तो आप मन्नत मांगे हैं कि अपने खुद मांगे थे? नहीं, जो है सो ये सब कुछ मांग चांग का बात नहीं है, इच्छा में जो है सो उपज हुआ, इच्छा में उपज हुआ जो हम ऐसा करें, माँ का जो है सो इतना भक्ति हम करें, तो जो है सो ये अपना साधना किए और 2 बार से जो है सो यहाँ हो रहा है, एक बार 2013 में, अभी 23 में हो रहा है। 23 में जो है सो 5 कलश दे के
और समापन पहले 2023-2013 में एक ही कलश लिया था। हाँ, एक कलश था और इस बार पांच कलश लेके जैसे अंत हो रहा है। कितना मतलब टोटल हो गया? छः कलश हो गया। मतलब छः साल का छः कलश हो गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिनयन साफी है। मैं भूतपूर्व मुखिया है यहाँ का, बलिगांव पंचायत का। 2006 से 16 के बीच हम मुखिया रहे। मतलब सीने पर कलश रखे हैं तो मतलब आप लोग 24 घंटा यहाँ रहते हैं? एकदम जैसे एक श्वास नहीं छोड़ा जाता, एकदम हर वक्त जो है सो उन पर में नज़र रहता है। जो कब क्या इशारा होगा तो उसको पूरा किया जाएगा। पूजा कमेटी के तरफ से सहयोग? हाँ, जो समाज में है तो सहयोग तो होगा ही, होता है। कौन सा जिला पड़ रहा है ये? दरभंगा जिला है। दरभंगा जिला बहेरी प्रखंड के जो है 6 साल का जो है अब इस बार इनको कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मन्नत है जो बिना जो है जल भोजन किए हुए यहाँ जो है 10 दिन रहते हैं और आराधना करते हैं। अपने सीने पे जो है 5 कलश लेकर माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, भी कुछ ग्रामीण से भी बात करते हैं। बताइए चाचा जी, आपके गांव में यहाँ पूजा हो रहा है? हाँ, मेरे गांव में हो रहा है। तो इस तरह से जो है सीने पे कलश लिए हुआ है, क्या आशीर्वाद दीजिएगा इनको? आशीर्वाद ही आशीर्वाद है इनको, इनको हमारा पूरे गाँव का मदद है इनको। पूरे गाँव का मदद है, कहीं कोई तरह का समस्या दिक्कत? कोई तरह का समस्या अभी नहीं है, और समस्या होगा आगे तो देखा जाएगा। दुआ आपका साथ है? सो साथ है। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र मंडल। घर कहाँ है? बलीगांव। देखिए यहाँ पर भी ग्रामीण भी है, उनका भी दुआ इनके साथ है और माता रानी का कृपया तो बना ही है। आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर हमें बताइएगा। इनके लिए एक आशीर्वाद कीजिए, माता रानी से दुआ कीजिए। आप हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।